इसराइल ने ईरान पर 26 अक्टूबर को जवाबी हमला किया। इसराइल ने इस हमले में ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही इसराइल ने ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को भी टारगेट किया। ईरान ने इसराइल पर 1 अक्टूबर को 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसी के बाद जवाबी हमला करते हुए इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री को ही निशाना बनाया। जिस फैक्ट्री को इसराइल ने निशाना बनाया, इसमें खैबर और कासिम मिसाइलों को पावर देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारी ईंधन मिक्सर थे। यहीं पर सॉलिड फ्यूल को बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के लिए मिक्स किया जाता था। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ईरान को इस फैक्ट्री को दोबारा रिपेयर करने में पूरे 2 साल का समय लगेगा। हालांकि इस मीडिया में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि ये फैक्ट्री कहाँ पर मौजूद है। इसराइल के इस अटैक के बाद ईरान की सेना ने कहा कि राजधानी तेहरान और बाकी प्रांतों पर इजरायली हमलों में सिर्फ रडार सिस्टम ही क्षतिग्रस्त हुए। ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा, देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने समय पर इतना सही प्रदर्शन किया कि हमलों में सीमित ही नुकसान हुआ और सिर्फ रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त हुए। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइल से हमला किया था। इसी के बाद से इसराइल अलर्ट मोड पर आ गया था। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान उसी दिन कर दिया था कि ईरान ने अटैक करके बड़ी भूल की है और उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी के बाद इसराइल ने पूरे 25 दिन के बाद ईरान पर जवाबी हमला किया। साथ ही ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया था तो नेतन्याहू ने इस बात का दावा किया था कि देश को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मिसाइलों को ढेर कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अपने हमले के बाद IDF ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि IDF ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अगर ईरानी शासन ने नए सिरे से तनाव बढ़ाने की गलती की तो हम जवाब देंगे। हम आपको बता दें कि IAF के विमान ऑपरेशन से सुरक्षित वापस आ गए हैं। इस बयान में आगे कहा गया है कि जो लोग इसराइल को धमकी देते हैं और तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज की कार्रवाई इसराइल राज्य और उसके नागरिकों की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से रक्षा करने की हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। Fears of an escalation between the heavily armed foes have soared since October 1st, when Iran launched around 200 ballistic missiles at Israel, killing one person in the Israeli-occupied West Bank in response to earlier Israeli moves. Deakin Institute said it wasn't in Iranian leaders' interest to escalate further.